वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, यह चेतावनी देते हुए कि सर्वव्यापी कण भी अंगों में अपना रास्ता बना सकते हैं। एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित डच अध्ययन के अनुसार आधे रक्त के नमूनों में पीईटी प्लास्टिक के निशान दिखाई दिए, जो व्यापक रूप से पेय की बोतलें बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे, जबकि एक तिहाई से अधिक में पॉलिस्टाइनिन था, जिसका उपयोग डिस्पोजेबल खाद्य कंटेनरों और कई अन्य उत्पादों के लिए किया जाता था।